फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी ठीक हूँ आप लोग की दुआ से। और दोस्तों, अभी टाइम हो रहा है 10:30 और मैंने नाश्ता भी कर लिया है। और दोस्तों, आप लोग देखिए वीडियो में रोहन ने प्रिया को कैसे छोड़ के चला गया है। उसको थोड़ा भी दया नहीं आ रही है कि एक छोटा सा बच्चा है, वो कैसे संभालेंगी। त्यौहार का दिन चल रहा है और बेचारी दिवाली भी सही से नहीं मना पाई है, क्योंकि आप लोग को भी पता होगा कि एक हस्बैंड जब छोड़ के चला जाता है कहीं और भी, तो वाइफ को कितना मुश्किल हो जाता है घर चलाना। तो बने रहिए वीडियो में, आप लोग को वीडियो दिखाती हूँ। तो प्लीज़ आप लोग पूरा वॉच करिएगा और उसे सपोर्ट भी करिएगा और मुझे भी सपोर्ट करिएगा दोस्तों। और मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तब तक के बने रहिए ब्लॉग में और पूरा वॉच कीजिएगा। देखिए आप लोग, मेरे पति ने मेरे साथ किया, एक बच्चे की माँ बना के मुझे छोड़ के चले गए। 2 महीने का मेरा बेटा पूरा नहीं है, उसे छोड़ के चले गए। आपने कभी सोचा कि मैं कैसे जीऊंगी, कैसे रहूंगी आपके बिना? बोलो ना पापा को आने के लिए, बाबू बोलो ना। कितने ख्वाब सजोए अपने बच्चे के साथ का। पत्थर भी पिघल जाता है इतने में, आप किस चीज के बने? तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने देखा कि प्रिया कितना रो रही है और मुझे भी, मैं गैर होके मुझे दया आ रही है, लेकिन रोहन का दिल नहीं पिघल रहा है। वो दिवाली के दिन भी इंतज़ार करती रही अपने हस्बैंड के, लेकिन वो नहीं आया। इसमें क्या कर सकते हैं दोस्तों, लेकिन आप लोग सपोर्ट करो। अगर आप लोग उसकी वीडियो देख रहे होंगे तो प्लीज़ आके उसे सपोर्ट करिए और रोहन को भी रिक्वेस्ट कीजिए। आप लोग अगर किसी से बात हो रही है, किसी दोस्त से बात हो रही है, तो आप लोग प्लीज़ उसे सपोर्ट करिए और बोलिए जाके कि प्लीज़ अपनी वाइफ के पास जाए। उसकी वाइफ एक बच्चे को लेके परेशान है, बहुत दुखी है, रो रही है, तो आप लोग सपोर्ट करिए। तब तक के लिए वीडियो लॉन्ग हो जाएगा, मैं रखती हूँ, बाय बाय। अगर मेरी वीडियो में अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब और ज़रूर करिएगा।